पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार द्वारा छात्रों व नौजवानों पर किए गए बर्बर लाठीचार्ज के खिलाफ एसएफआई व डीएफआई उग्र हो गई है। शनिवार को एसएफआई और डीवाईएफआई ने शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार ने युवाओं के आंदोलन को कुचलने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया, जो सरासर लोकतंत्र विरोधी है। एसएफआई व डीवाईएफआई ने शिमला जिला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर संयुक्त रूप से पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एसएफआई का कहना है कि पश्चिम बंगाल में एसएफआई व डीवाईएफआई के संयुक्त आह्वान पर शिक्षा व रोजगार के मुद्दों को लेकर राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन बंगाल की तानाशाही ममता बनर्जी सरकार ने छात्रों व नौजवानों पर बर्बर लाठीचार्ज किया, जिसमें एसएफआई व डीवाईएफआई के 500 से ज़्यादा सदस्य बुरी तरह से घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बंगाल की ममता बनर्जी सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह नाकामयाब रही है, लेकिन जब युवा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करता है तो आंदोलन को कुचलने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया जाता है, जो कि सरासर लोकतंत्र विरोधी है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश का छात्र व युवा बेहतर शिक्षा की मांग व बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, वहीं लोकतंत्र पर लगातार सरकारें हमला कर रही हैं, जिसका डीवाईएफआई पुरजोर विरोध करती हैं। एसएफआई व डीवाईएफआई ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि केंद्र व राज्य की शिक्षा व लोकतंत्र विरोधी सरकारों के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है व अपने संघर्ष को और तेज करने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल के अंदर पिछले कल हजारों छात्र छात्राएं, लगभग 25 से 30,000 के बीच छात्र छात्राएं और नौजवान जो है, पूरे छात्र और नौजवानों के 12 संगठन जो है, वामपंथी छात्र संगठन, वो अपनी रोजगार की मांगों को लेकर दो दिन पहले सिंगूर से एक मार्च शुरू किए थे। ये मार्च जब पिछले कल पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यालय पर पहुंचा, उससे पहले ही उसे रोक दिया गया और छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक जो है लाठीचार्ज किया गया। इसमें ऐसे भाई के अखिल भारतीय महासचिव मयूख विश्वास, ऐसे भाई के राज्य के अध्यक्ष, राज्य के सचिव, डीएफआई के राज्य अध्यक्ष, राज्य सचिव और उसके साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई। 18 से ज़्यादा लोगों को, 20 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया, डाल दिया गया और उसके अलावा जो 500 से ज़्यादा जो है छात्र छात्राएं, नौजवान जो है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हम इस धरने के माध्यम से इस जो लाठीचार्ज है, इसकी कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इसके अंदर जो भी पुलिसकर्मी या सरकार जो है, उसको इस तरह की कार्रवाई जो है नहीं करनी चाहिए और इसके ऊपर जो है सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।